इस अमेजिंग ग्लो को हासिल करने के लिए आपने फॉलो करने हैं कुछ स्टेप्स। स्टेप वन, क्लेंजिंग। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी कच्चा दूध। इसके अंदर मैं 3 पंप रोज़ वाटर के डालूंगी, ड्राई स्किन वाले रोज़ वाटर नहीं डालेंगे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और अपने फेस पे 5 से 6 मिनट तक क्लिनजिंग करते रहें दोनों हाथों से। इससे आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, डार्क स्पॉट्स रिमूव होंगे अगर आप ज़्यादा क्लिनजिंग इससे किया करेंगे, और ये बहुत अच्छा ग्लो देगा आपके फेस को। यू विल सी एन इंस्टेंट ग्लो। अच्छे से क्लेंजिंग करने के बाद कॉटन से हम इसको रिमूव कर देंगे। फेस वॉश सोप से करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस स्टेप पे। आगे अब हम स्क्रबिंग करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 2 टीस्पून ऑफ योगर्ट ऐड करूँगी, उसके अंदर 2 टीस्पून चावल का आटा घर में ग्राइंड किया हुआ। मिक्स करें अपने नोज़ पे अच्छे से, अपनी चिन पे, पूरे फेस पे इसको स्क्रब करें ताकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाए और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी। लिप्स पे भी स्क्रब कर सकते हैं। फेस वॉश कर लिया, ग्लो ये है। थर्ड स्टेप है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। स्टीम, चाहे आप सीधी स्टीम ले लें पतीले में से, या फिर आप अपने टॉवल को वार्म वाटर में डिप करके निचोड़ के फेस पे रख के स्टीम ले लें, 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर ले। इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले। फेस मास्क, फेस मास्क के लिए 1 टेबलस्पून ऑफ वीट यानी चावल का आटा, 1/4 हिस्सा हल्दी का और एग वाइट ही डालनी है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अब ये करेगा क्या, ये जो है बेसिक आपका मास्क है पूरे फेशियल का, क्योंकि हल्दी जो है वो आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है, टैन रिमूव करती है। चावल का आटा आपकी स्किन को रीजनरेट करता है, और जहाँ तक आपका वो सवाल है एग योक का, तो वो फेस टाइटनिंग करता है, पोर्स को भी श्रिंक करता है, और एलोवेरा भी पोर्स को श्रिंक करता है। तो ये एक ऐसा फेशियल है जो आपके ओवरऑल फेस की हर चीज़ को टारगेट करेगा। 20 मिनट तक इस मास्क को लगा रहने दें, हल्के हल्के पानी से इस तरीके से इसको उतार लें। उसके बाद आप ने देख लेना है अपना ग्लो, या इस तरह का आपका ग्लो आ जाएगा। फिर ठंडा यख पानी लेके बर्फ़ों वाला, इसमें अपना फेस डिप कर ले फॉर 5 सेकेंड एंड देन वेट फॉर 10 सेकेंड एंड डिप अगेन फॉर 5 सेकेंड। नमिंग फीलिंग आएगी, पोर श्रिंक होंगे। लास्ट मसाज है, स्क्रीनशॉट दिस। आई एम गोइंग टू टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल, एंड उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर एलोवेरा जेल। इसको मिक्स करके फेस में अच्छे से मसाज कर दूंगी। आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, विटामिन ई का ऑयल डाल सकते हैं, विटामिन ई कैप्सूल डाल सकते हैं, सब कुछ आपकी मर्ज़ी है। ये बेसिक स्टेप इसलिए ताकि हम लास्ट में अपने फेस को हाइड्रेट करके रखें, मॉइस्चराइज करके रखें, ताकि इतने ज़्यादा जो हमने स्टेप्स फॉलो किए इससे हमें फाइन लाइन्स ना आए, ना ही हमारे स्किन में और कोई प्रॉब्लम आए। आई होप यू लाइक दिस फेशियल। इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ईद मुबारक।